देखिए जी, आज आप सभी लोगों को बुलाने का एक ही खास मकसद था कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्राइव स्टार्ट की है इस वीक, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस है कि जो रशियन पॉपुलर ट्रीज हैं उनको रिमूव किया जाए। हमारे पास बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स लोगों के ज़रिए आती थी और हाई कोर्ट की भी इसके अंदर काफ़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो पोलन ग्रेन जो फीमेल पॉपुलर स्पीशीज से निकलता है उसको, वो एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है और ख़ास करके टाउन एरियाज़ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस और उनके पास जो भी ये पॉपुलर ट्रीज हैं उनसे निकलते हुए पोलन से लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से भी सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ को लोगों के इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए हमने एक ड्राइव शुरू की है, जिसके अंदर रेवेन्यू टीम, सोशल फॉरेस्ट्री की टीम, पुलिस की टीम प्लस इरीगेशन की टीम को हमने इन्वॉल्व किया है, जिसके अंदर स्टेट और काचराई लैंड्स पर ये जो ड्राइव है शुरू की जा चुकी है। कल ये ड्राइव हमने कुपवाड़ा से स्टार्ट की थी और आज हंदवाड़ा में भी इसका आगाज़ हुआ है। तो हमने आज एक पब्लिक नोटिस भी निकाला है जो कल के अखबार में, जिसके ज़रिए हमने सभी लोगों से अपील की है कि जो लोगों के प्राइवेट लैंड्स हैं उसके अंदर जो भी पॉपुलर ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग अपने लैंड्स के ऊपर इन ट्रीज़ को क्लियर कर दें, और ये क्योंकि ये सोसाइटी के एक बेनिफिट की बात है। उसके बाद अगले 3 दिनों का हमने उनको टाइम दिया है, तो आपके ज़रिए भी मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, अपने अपने जो बाउंड्रीज़ में, अपने लैंड्स में जिनके ये पॉपुलर ट्रीज़ हैं, फीमेल पॉपुलर ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से ये हेल्थ हैज़र्ड क्रिएट होता है, उनको वो खुद से कट डाउन कर दें, और लेकिन उसके बाद ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई भी किसी भी तरह की इख्तियारी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम इनिशिएट करेंगे। फिलहाल के लिए जो स्टेट लैंड्स हैं, जैसे मैंने पहले भी दोहराया, स्टेट और काचराई लैंड्स हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जारी रखेगी। सर गाँव में ऐसे भी ये जो हेल्थ हैजार्ड है वो सोसाइटी के लिए एट लार्ज है, उसके लिए किसी एक की राय या किसी दो की राय लॉ से ऊपर नहीं है, और जैसा मैंने पहले भी दोहराया इसके अंदर हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हमारी बिल्कुल फ़र्ज़ है, और इसीलिए हमने तहसील लेवल टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करवाया जा सके और उसके बाद उनकी कोऑपरेशन से इस एक्सरसाइज को कामयाब बनाया जा सके। सर कोई टाइम यही है कि हमने 3 दिन लोगों से अपील की है कि अगले 3 दिनों में वही ये काम खुद से करें अपने अपने लैंड्स पर, और पैरेलली हम ये काम सरकारी लैंड्स पर और डिपार्टमेंट्स को भी यही डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं, ताकि जो डिपार्टमेंटल लैंड्स हैं उसके अंदर जो कंसर्न्ड एचओडीज हैं वो अपने अपने लैंड्स पर यही एक्शन लें। और पैरेलली हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1 हफ्ते में इस एक्सरसाइज को हम अंजाम देने की कोशिश करें। सर ये तहसील लेवल कमिटीज इसके अंदर हमने फॉर्मुलेट की हैं, जिसके अंदर सभी तहसीलदार साहिबान अपनी अपनी कमिटीज़ के इंचार्ज हैं, और उनको जो रिसोर्सेज हैं जो वो हमने डिस्ट्रिक्ट से भी फराहम करवाए हैं, और वो अपने अपने लेवल पर अपनी फॉरेस्ट्री टीम को इन्वॉल्व करके भी इन रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।